हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पे आपका स्वागत है। मैं अनिल बागुल और मेरे चैनल का नाम है ऑटो रिक्शा ज्ञान। तो दोस्तों, यहाँ आज बहुत काम की बात है। तो बहुत सारे वीडियो में ऐसे ही अपलोड करते रहते हूँ। बजाज कंपनी ऑटो रिक्शा DA6 जो टू स्ट्रोक हो या फोर स्ट्रोक, तो दोस्तों आपका पैर ऐसे ही बना रखना है। और ऑटो रिक्शा ज्ञान की तरफ से आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप ढेर सारी खुशियाँ मनाएं और औरों से भी बांटें, जिसे आने वाले हर साल आप तरक्की पे रहें। तो दोस्तों, हम बात करते हैं काम की ऑटो रिक्शा ज्ञान में। तो एक बात ध्यान रखना दोस्तों, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना, जिसे आने वाली हर वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, यहाँ आपके लिए मैं बजाज ऑटो रिक्शा के बारे में बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, फिलहाल आपको पता है बारिश का मौसम अभी भी बरकरार है, बारिश ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, वैसे ही मेरे यूट्यूब वीडियो भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। तो दोस्तों, आगे चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं बारिश का मौसम अभी तक पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ। भारत हो या दुनिया का कोई भी कोना, बारिश होती ही होती है। तो दोस्तों, यहाँ आपका खुद का ऑटो हो या फिर रेंट का हो, या फिर आपके पास कोई कंपनी की गाड़ी, बजाज TVS, महिंद्रा, एपे या कोई और, तो दोस्तों यहाँ आप ये टूल्स देख सकते हैं। पकड़ है, चपटी पाना है, स्क्रू ड्राइवर है, गुटकी पाना है, या और भी ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं मेरे पास। तो फिलहाल ये पास आपके पास हो तो इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, या फिर नहीं भी हो सकता तो उसका भी सोल्यूशन मेरे पास है। तो दोस्तों, यहाँ ध्यान रखना है ऑटो रिक्शा ज्ञान में कुछ चीज़ें या कुछ सीक्रेट चीज़ें मैं आपके लिए शेयर करता हूँ और बताते रहता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं ये स्क्रू एक एक करके उसे खोल सकते हैं, और छोटे मोटे नट होते हैं, बोल्ट होते हैं, तो ये चीज़ें जब तक गाड़ी नई होती है तो ये आसानी से खुल जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ ध्यान देना है आपको, आपकी ऑटो नई हो या पुरानी, पर बारिश के दिनों में इसमें नमी से और ऑक्सीजन, इन दोनों की प्रक्रिया से इसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। यहाँ दोस्तों आप देख सकते कुछ नए नट होते हैं, कोई पुराने होते हैं, जहाँ जहाँ आप देख सकते हैं ऑटो में बहुत सारे स्क्रू नट होते ही होते। पर दोस्तों, यहाँ एक बात है, आपके पास टूल्स हो तो इसे आराम से धीरे धीरे खोल लेना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ ध्यान देना है ये चीज़ें क्यों करना है। बारिश के दिनों में और बारिश ख़त्म होने के बाद भी आप जब भी धूप खिली, अच्छा मौसम हो, उस टाइम पर आपको वक्त मिले, तो ये आपके लिए मैं वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ। तो जब आप गाड़ी वॉश करने जाते हो सर्विस स्टेशन, तो जहाँ जहाँ पानी दिखता है ऊपर की सतह अच्छे से साफ हो जाती है, पर बाकी जगह आपको यहाँ धूल मिट्टी या जंग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब तक नए नट हो, बोल्ट हो, स्क्रू हो, खुल जाता है दोस्तों, पर जैसे जैसे पुराने होते चलते हैं, तो दोस्तों यहाँ एक एक करके खोल लेना है आपके पास टूल्स हो तो। दोस्तों, ये खोलने के बाद आपको एक छोटी सी जो कटोरी हो या जो भी चीज़ है आपके पास, उसमें उसको निकाल रखना है। अभी फ़िलहाल देख सकते हैं बहुत सारी गर्मी है, दिन में धूप होती है और शाम में ठंडे और बारिश भी, तो मौसम के वजह से बहुत चीज़ें आपका ऑटो ख़राब होने लगता है। तो दोस्तों, देख सकते हैं बहुत सारी धूल, जिसके कारण पानी और धूल और मिट्टी वैसे सड़ने लगता है। तो दोस्तों, आपका ऑटो खुद का, इसलिए आपको ध्यान देना है। इसे खोल के एक जगह कटोरे में लेके उसमें आपको एक एक नट निकाल के रखना है। तो दोस्तों, ये एक एक ही खोलना है, पूरा एक साथ नहीं खोलना है। ऑटो का जो सिस्टम ख़राब हो सकता है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, ये मेरा ऑटो रिक्शा का ऑयल है, जो आप में कार, टू व्हीलर, ऑटो किसका भी हो, पर नया वाला जो ऑयल है आपको चाहिए, इसकी ज़रूरत है फिलहाल। इसे कहाँ यूज़ करना है दोस्तों, ये भी आज बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले देख सकते हैं ये ऑयल, एक जगह छोटी सी जगह एक ब्रश, हाथ से भी कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, यहाँ इसका ऑयल का काम लुब्रिकेशन, जो एक उस पर लेयर बनती है जिससे जंग लगने से बच सकते हैं। और आपके पास ना हो तो ग्रीस का भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से कुछ भी चीज़ आप इसमें यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, फिलहाल मुझे ऑयल ही अच्छा लगा। और उसके बाद दोस्तों, ये ऊपर से भी ऑयल की लेयर है और नीचे से भी आपको नट के ऊपर की सतह या पीछे से जहाँ जहाँ आपके नट बोल्ट है, गाड़ी के अंदर बहुत सारे नट बोल्ट है, स्क्रू है, वहाँ आपको ये इस तरह ऑयल को लगाना है। ये करने से क्या होता है दोस्तों, ध्यान में दीजिए आपका। तो दोस्तों, ये प्रक्रिया बहुत काम की, क्योंकि दोस्तों बहुत से ऑटो ड्राइवर ये बारिश के दिनों में या बारिश भी हो तो बहुत दिन ऑटो की केयर नहीं करते, और ऑटो में प्रॉब्लम मतलब सड़न,
या जंग लगना ये हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ ये चीज़ें छोटे मोटे स्क्रू नट बहुत जगह है, ऑटो बोले तो बहुत, आपका ऑटो है ऑटो रिक्शा में आपको पता है ये कहाँ कहाँ स्क्रू नट, या कई जगह वेल्डिंग हुई होती है ये पुराने जहाँ आपको इतने स्क्रू नट है कि आप पूछ नहीं सकते। आपको थोड़ा टाइम लग सकता है दोस्तों, पर वक्त की जो कीमत है आपको पता है, आप जल्दी से इसको कर लोगे तो आपका ऑटो और भी शानदार और अच्छा साफ़ सुथरा और जंग लगने से बच सकता है। तो यह ऑटो रिक्शा ज्ञान में मैं ऐसे पहले भी मानसून से लेकर बारिश के लिए आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना चुका हूँ। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और आपको वहाँ क्लिक करना है वह आपको वीडियो। तो दोस्तों यह ऑटो रिक्शा के आगे के कैबिन हो या पीछे का, या ऑटो रिक्शा के अंदर या फिर नीचे बहुत सारे नट बोल्ट स्क्रू होते, छोटा बड़ा जो भी दिखे उसे ऑयल के जो लेयर है ब्रश से आप लगा सकते हैं। दोस्तों यहाँ ये चीज़ें करना ज़रूरी है, आप चाहो तो पहले भी कर सकते हैं बारिश के पहले, या फिर बाद में भी कर सकते हैं और आपका ऑटो जंग लगने से बच सकता है। और दूसरी ट्रिक दोस्तों इस तरह है, आपके पास ये एंटी रेस्ट पेंट है जिसे हम रेड ऑक्साइड भी कहते हैं दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ उसको प्राइमर भी बोलते हैं बहुत जगह, अलग अलग वर्ड अलग अलग कलर, तो ये पेंट के दुकान में आपको आसानी से मिल जाएगा जो एंटी रेस्ट प्राइमर एंड पेंट बोलते हैं दोस्तों। तो इसको आप ज़्यादा कीमत नहीं है, उसमें थोड़ा सा थिनर मिक्स करना है और ब्रश और एक ख़राब सा डब्बा जो भी आपके पास हो अवेलेबल के लिए, इससे उससे आपको पता है जो फ्लोरिंग है नीचे की इस तरह सड़ने लगती है उससे बचाना है। तो दोस्तों ये आप ज़रूर करना, आपका ऑटो सही बोले दोस्तों एक नंबर, जो भी बढ़िया 100% जंग से ज़रूर बच पाएगा। और दोस्तों ध्यान देना है आपका ऑटो को ये पेंट एक या दो लेयर में या दो कोट में मारना है, ये बैटरी के पानी से या ब्रेक ऑयल से भी ख़राब होता है और वहाँ जंग लगना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ तक तो मेरा वीडियो आपको नया आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल का आइकॉन दबाना, जिससे आने वाली हर वीडियो की अपडेट्स आपको आती रहेंगी। तो दोस्तों इस तरह एंटी रेस्ट कलर मारने का, तो आपको उसको दो तीन सूख देना है, फिर उसके बाद आपको और एक ट्रिक है दोस्तों, ये है स्प्रे, ये एंटी रेस्ट स्प्रे भी अलग अलग कलर में आता है। अभी फिलहाल महाराष्ट्र में ब्लैक और येलो का ऑटो चलता है, आपके यहाँ स्टेट में राज्य में अलग अलग कलर के ऑटो होते हैं जिससे आपको इस तरह कलर से बचाना है। जहाँ जहाँ कलर छूट जाता है, तो यह ब्लैक कलर है तो मेरे ब्लैक मैट कलर है जो, इसके भी एक या दो लेयर मार देने दोस्तों। ध्यान रखना ये धूप खिली हो, मौसम अच्छा हो उसी दिन मारना है, बारिश या फिर जैसे ठंड का मौसम उसमें ना मारे, ये खिली धूप के समय ही मारे जिससे ब्रश जो कलर है अच्छे तरह से उस पर मैच हो जाएगा, और दो तीन दिन के बाद उसको अच्छे से उसको पॉलिश कर देना है। तो इससे दोस्तों जहाँ जहाँ भी मैंने एंटी रेस्ट जो रेड ऑक्साइड मारा है वहाँ भी मार देने वाला हो जिसे पता ना चले। अभी नीचे तो अपन फ्लोर पे देखे ऑयल जो नट है ग्रीस है, उसके बाद ये ऊपर ना मारने उसको पोंछने के बाद मारे दोस्तों, क्योंकि कलर उड़ सकता है, इसलिए रेड ऑक्साइड मार रहे जहाँ जहाँ यूज़ किया है वही ब्लैक का जो पेंट स्प्रे से मार सकते हैं। और एक फ़ायदा ये भी दोस्तों, जब आप RTO में जाएंगे गाड़ी पासिंग होती है फिटनेस के लिए, तो दोस्तों ये मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएंगे। तो यह स्प्रे जहाँ जहाँ आपका कलर फेंट हो गया है तो यह स्प्रे से ज़रूर मारना है दोस्तों। ये थोड़ा मुश्किल भरा तो है, पर आपको थोड़ा सा दूरी से जो स्प्रे यूज़ करेंगे तो कोई दिक्कत वाला काम नहीं, इसे एक या दो लेयर ज़रूर मारना है और दो तीन दिन में इसमें पॉलिश ज़रूर मार देना है जिससे ये कलर पूरी तरह मैच हो जाएगा। दोस्तों वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा, मैं अनिल बागुल ऑटो रिक्शा ज्ञान में ऐसे बहुत सारे वीडियो बनाते रहता हूँ और आपके लिए ही ऐसे ट्रिक ढूंढ के लाता हूँ। तो वीडियो कैसे लगा ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना है, और कहाँ तक पहुँचा है ये भी मुझे बताना है। तो दोस्तों यहाँ तक मेरा ऑटो किस तरह दिखता है ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना है। मैं अनिल बागुल और मेरे चैनल का नाम है ऑटो रिक्शा ज्ञान, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, बेल आइकन ज़रूर दबाना, आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको इसी तरह मिलती रहेंगी। बाय।